आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, तेजी से बदलती सूरत हाल पर तफसीली बातचीत, इलाकाई सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शुरका का पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशों को नाकाम बनाने का आज़म। पेंडोरा पेपर्स में जिनके नाम आए उन्हें क्लियर होना पड़ेगा, जो जिम्मेदार करार पाए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर आजम ने काबीना अरकान को साफ साफ बता दिया। सेल कायम और जल्द तहकीकात करने की हिदायत। वफाकी काबीना का आइंदा इंतखाबात नए मर्दमशुमारी के तहत कराने का फैसला। मर्दमशुमारी तरीकाकार में बास तजावीज पर MQM की मुखालिफत। नून लीग ने पेंडोरा पेपर्स पर वजीर आजम का तहकीकाती सेल मुस्तरद कर दिया। शाहिद हकान अब्बासी बोले कि पेंडोरा पेपर्स पर इदारे तहकीकात करें। वफाकी वजीर क्यों JIT में पेश नहीं हो सकते? उन 700 लोगों को जेल में डालें और तफ्तीश करें। सेनेट खजाना कमेटी में भी पेंडोरा पेपर्स की गूंज। शहरी रहमान कहती हैं कि पेंडोरा पेपर्स में 700 अफराद के नाम आए, उनसे मनी ट्रेल क्यों नहीं ली जा रही? ऑपोजिशन पर केस बन सकते हैं तो हुकूमती अरकान पर क्यों नहीं? सरकारी कमेटी गैर जानबदार नहीं, JIT बनाई जाए। जमात इस्लामी का पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं कि पेंडोरा लीक्स पर आला अदालती कमीशन कायम किया जाए। करप्शन और टैक्स चोरी का पैसा चोरी ही तजव्वुर होगा, कानूनी नहीं होगा। फैसलाबाद में खौफनाक आतिश जदगी, आग ने बैंक की सातवीं मंजिल को अपनी लपेट में ले लिया। अमला मदद के लिए चीखों पुकार करता रहा, फायर ब्रिगेड अमले ने आतिश जदगी पर काबू पाया। छत पर फंसे 15 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सिविल एविएशन की गफलत, लाहौर से इस्तांबुल जाने वाले तैयारे से परिंदा टकरा गया। जहाज में 350 के करीब मुसाफिर सवार थे। तैयारे की रवानगी मुलतवी करने पर मुसाफिरों का एहतजाज। तैयारों से परिंदे टकराने के वाकयात पाकिस्तान में सबसे ज्यादा। रवां बरस जहाजों से परिंदे टकराने के 10 वाकयात। 2019 में 12 बार तैयारों से परिंदे टकराए। ये कठपुतली हुकूमत साजिशों में लगी हुई है। हर शियाला के लिए जेल जाना जरूरी है। कश्मीर के आवाम ने अपने वोट की ताकत से पूरे पाकिस्तान को एक मैसेज भेजा है कि आज भी कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। हमने अमरों का मुकाबला किया, ये कठपुतली क्या चीज है? पीपल्स पार्टी के जाले आखिरी जंग लड़ने को तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोटली में जलसे से खिताब, बोले कठपुतली हुकूमत हमारे खिलाफ साजिशों में लगी हुई है। अवाम तीर पर ठप्पे लगाकर साबित कर देंगे कि आजाद कश्मीर आज भी पीपल्स पार्टी का है। अभी भी मैं समझता हूं कि अपोजिशन को अपना लीडर ऑफ अपोजिशन तब्दील करना चाहिए ताकि हम नायब के चेयरमैन के ऊपर कंसल्टेशन कर सकें। लिहाजा इस पे हमारा बिल्कुल वाज़े एक मौकफ है, हम शहबाज शरीफ साहब से कंसल्टेशन नहीं करेंगे अगले चेयरमैन की तैनाती के लिए। कल इस जमन में ऑर्डिनेंस जो है वो आएगा जो इस लकुना को दूर करेगा। हुकूमत का चेयरमैन नायब की मुद्दत में तौसी के लिए कल ऑर्डिनेंस लाने का ऐलान। वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी कहते हैं कि चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं होगी। अपोजिशन को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तब्दील करने का मशवरा दे डाला। इस्तीफा दो घर जाओ, बलूचिस्तान के नाराज अरकान की वज़ीर आला जाम कमाल को कल तक की मोहलत। ज़हूर बलेदी और मीर असद बलोच की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नहीं चाहते कि असम्बली में अक्सरियत साबित करके जाम कमाल को कुर्सी से अलग करें। इस्तीफा ना दिया तो तहरीके अदम एतमाद समेत अहम फैसले करेंगे। मरियम नवाज ने एवन फील्ड्स रेफरेंस का अदम करार देने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौकफ इख्तियार किया कि सजा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और कानून की संगीन खिलाफ वर्जियों की क्लासिक मिसाल है। रेफरेंस फाइल करने के अहकाम भी दबाव का नतीजा हो सकते हैं। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की तकरीर ने सारी कार्रवाई मशकूक बना दी। करप्शन, चोर चोर डाकू का नारा, वो भी आज दफन हो गया। आज चौथा साल है, कहाँ गए वो 200 अरब डॉलर जो आने थे बाहर से? तमाम सियासी जमातें सर जोड़ कर बैठे और हकूमत हकूमत का खेल खत्म होना चाहिए।
हमारी किसी इदारे से लड़ाई नहीं, दुश्मन साजिशें कर रहा है, खेल तमाशा बंद होना चाहिए, आए सब जमातें मिलकर मुल्क का सोचें। हमजा शहबाज की मुल्तान में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा न्याजी का करप्शन मुखाओ नजरिया दफन हो गया, हुकूमत का चौथा साल आ गया, कहां गए 200 अरब डॉलर। सिंध में मोटरसाइकिल पर सेफ्टी साइड मिरर लगाना जरूरी करार, वजीर आला मुराद अली शाह की जेर सदारत काबीना ने मोटर व्हीकल रूल्स में तरमीम की मंजूरी दे दी, 15 अक्टूबर से गंदम 1950 रुपए फी मन जारी करने की मंजूरी। एक करोड़ नौकरियों का वादा करने वाले वजीर आजम अपनी ही पार्टी के मुलाजमीन को बेरोजगार करने लगे, तहरीक इंसाफ के मरकजी ऑफिस के दर्जनों मुलाजमीन फारिग, बरतरफ मुलाजमीन का एहतजाज का ऐलान। कराची में एक घंटे के दौरान बैंकों से रुकूम निकलवाने वाले 3 शहरी लुट गए, गुलशन मेमार सादी टाउन सुपर हाईवे के इलाके में वारदातें, डाकू रकम छीन कर फरार। बार और बेंच के तालुकात बेहतर होने चाहिए, वुकला के बगैर अदालत और अदालत के बगैर वुकला नहीं चल सकते, इदारों को वुकला के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का लाहौर में पंजाब बार काउंसिल की तकरीब से खिताब। सिंध हाईकोर्ट का लापता अफराद के अहलखाना की कफालत सरकार के सपुर्द करने का हुक्म, मैकेनिज्म बनाने के लिए मुतलका हुकाम और एडवोकेट जनरल सिंध 7 अक्टूबर को तलब, जिस घर का सरबरा 7-8 साल से लापता है सोचें उस पर क्या गुजर रही होगी, लापता अफराद के अहलखाना को कमेटियों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते, जस्टिस अलाउद्दीन के रिमांड। चेयरमैन पीसीबी की कराची के कारोबारी अफराद को क्रिकेट में सरमायाकारी की दावत, कहते हैं निचली सतह से क्रिकेट का स्ट्रक्चर ठीक कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बेहतर होने से ही क्रिकेट को फरोग हासिल होगा, रमीज राजा ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया।